सूद, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन एट पत्रा हॉस्पिटल। आजकल बहुत ये फैशनेबल शब्द है टमी टक ऑपरेशन, एंड दिस इज बीइंग डन नॉट ओनली फॉर फीमेल्स बट फॉर मेल्स एज वेल। होता क्या है कि जब पेशेंट ये मेल्स या फीमेल्स जिम में जाने का वेट बढ़ जाता है मिडिल एज में आके, और वो चाहते हैं कि अपना वजन घटा लें, तो कई बार केवल वजन घटाने के लिए वो एब्डोमिनोप्लास्टी की मांग करते हैं, जिससे कि उनका टमी जो है और पेट फ्लैट लगे। और कई बार जब वो जिम जाके अपना वेट घटा लेते हैं तो वेट तो घट जाता है पर स्किन शेप नहीं घटती है और स्किन ओवरहैंग होता है। तो इस केसेस में हम टमी टक ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। ऑपरेशन ये जनरल एनेस्थीसिया में होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन रहता है। उसमें हम स्किन ही नहीं फैट भी एब्डोमिनल के नीचे हिस्से निकालते हैं और उसको इतनी तरह से स्ट्रेच कर देते हैं सो दैट उनका स्टमक फ्लैट हो जाए। उनकी जो नाभि है उसको रिटेन करते हैं और वापस जिस जगह पे थी उसी जगह पे लगा देते हैं। पेशेंट को रिकवरी में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन हम जरूर कहते हैं कि नेक्स्ट डे ही पेशेंट बेड से बाहर आता है, आ जाता है और चलने लगता है, पर उसको 2 से 3 हफ्ते तक आराम की ज़रूरत होती है। हालांकि 3रे या 4थे दिन वो अपना जो भी रोज़मर्रा का कार्य है वो कर सकते हैं।